Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स का इफ्तिताह कर दिया। नेदरलैंड की मलका मैक्सिमा तीन रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। तर्जुमान पाक भैरे के मुताबिक नेवल चीफ को खसूसी तौर पर फोरम के दूसरे सेशन का मेहमान एजाजी बनाया गया। नवाज शरीफ के दिमाग को खून पहुंचाने वाली शरियान 80% बंद है डॉक्टर्स। भारत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इंडिया पाकिस्तान की सरहदों को नहीं छेड़ सकता, वरना नेस्तो नाबूद हो जाएगा, शेख रशीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की दावत कबूल कर ली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ काम करने के भरपूर अजम का इजहार करते हुए कहा कि आलूदगी खामोश कातिल बन चुकी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि अल्लाह के हुक्म पर ना चलने वाली कौमें बर्बाद हो जाती हैं। कौम मुस्तकबिल और नस्लों का नहीं सोचती तो बर्बाद हो जाती है। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि 35 साल पहले हम लाहौर का पानी नलके से पीते थे, आज लाहौर में सांस तक नहीं ले सकते। लाहौर में आलूदगी इंतहा को पहुँच चुकी है, बूढ़े और बच्चों की जिंदगियों को खतरा है, यहाँ आलूदगी खामोश कातिल है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में लाहौर से 70% दरख काटे गए, माहौलियाती आलूदगी से बीमारियों में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह की नेमत है, पाकिस्तान में हर किस्म का मौसम है, हर किस्म का फल उग सकता है, अल्लाह ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से मालामाल किया है, हम पाकिस्तान की कदर करेंगे तो सोना उगलेगा। मैं लाहौर में बड़ा हुआ, हम लाहौर का पानी नलके से पिया करते थे, मीठा पानी था, लाहौर की हवा, आबो हवा साफ, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 30-35 साल पहले भी लाहौर एक बड़ा साफ शहर था। आज लाहौर के अंदर सांस नहीं आप ले सकते। जो लाहौर के आज हालात हैं
जो बूढ़े हैं और बच्चे हैं उनकी जिंदगियों को खतरा है, वहां जो पोल्यूशन लेवल है वो उधर तक पहुंच गया है कि जो हमारे बड़े हैं उनको लंग्स की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो पोल्यूशन है वो एक साइलेंट किलर है। एक तो होता है ना एक्सीडेंट, किसी ने गोली मारी या कत्ल किया तो आपको नजर आता है, जो पोल्यूशन है वो पता नहीं चलता और आहिस्ता आहिस्ता आपको सालों के बाद पता चलता है कि कितने लोग पोल्यूशन का शिकार हो गए। और लाहौर में हम समझते थे कि दिल्ली बहुत पोल्यूटेड है और दिल्ली के अंदर बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि लाहौर तकरीबन उधर तक पहुंच गया, यानी कि दुनिया का दूसरा या तीसरा पोल्यूटेड शहर बन गया। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पख्तूनख्वा में 5 साल में 1 अरब दरख्त लगाए, हमें शहरों में चुन चुनकर इलाकों को सरसब्ज बनाना होगा, आवाम को साथ मिलाकर पाकिस्तान को साफ और सरसब्ज बनाएंगे, पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसकी मिसाल दुनिया देगी। पंजाब और पख्तूनख्वा के अंदर जो निजाम लेके आ रहे हैं, ये पहली दफा पाकिस्तान में ये एक जेन्युइन ग्रास रूट एम्पावरमेंट है, लोगों के पास इख्तियार आ जाएंगे गांव के लेवल पे, अपना अपने मुस्तकबल का फैसला करना गांव के लेवल पे। और ये एक पहली दफा एक ऐसा निजाम आएगा जिसकी वजह से गांव के लोग खुद इसमें हिस्सा लेंगे, ये जो हमारी ये जो मुकाबला होगा शहरों का मिसाल देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे नेदरलैंड की मलका मैक्सिमा 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। वजारत खारजा और नेदरलैंड के सफारत खाने के हुकाम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मलका मैक्सिमा अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथियो गुतेरेस की नुमाइंदा खुसूसी के तौर पर पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा कर रही है। दौरे के दौरान मलका मैक्सिमा की सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात शेड्यूल है। मलका अपने दौरे पाकिस्तान में अवामी और निजी शोबे के शराकत दारों से भी मुलाकातें करेंगी। वो माइक्रो पेमेंट गेटवे स्टेट बैंक की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगी। कुछ बात कर लेते हैं। अमीर अल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया और पहले सऊदी इंटरनेशनल मैरीटाइम फोरम में शिरकत की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक नेवल चीफ को खसूसी तौर पर फोरम के दूसरे सेशन का मेहमान एजाजी बनाया गया और अमीर अल बहर ने फोरम से खिताब भी किया। 3 रोजा इंटरनेशनल फोरम में 13 ममालिक की बहरी क्यादत शिरकत कर रही है। फोरम के दौरान इलाकाई समंदरी तहफ़ समंदरी माहौल में तब्दीली के असरात मैरीटाइम इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंज और उनके तदारुक के लिए इकदामात पर बातचीत हुई। दौरे के दौरान अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से खुसूसी और दीगर मुमालिक के हम मनसबों से भी मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बामी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी तआवुन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि नेवल चीफ ने खत्ते में समंदरी तहफ़ और अमन को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरे के अजम को उजागर किया। नेवल चीफ का यह दौरा दोनों मुल्कों बिलखसूस बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लंदन में मुआयना करने वाले डॉक्टर ने इंकशाफ किया है कि उनके दिमाग को खून पहुंचाने वाली शरियान 80% बंद है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लंदन में मुआयना करने वाले डॉक्टर ने इंकशाफ किया है कि उनके दिमाग को खून पहुंचाने वाली शरियान 80% बंद है। स्विस डॉक्टर एस गोट ने पार्कलैंड फ्लैट्स में नवाज शरीफ का मुआयना किया था, जबकि लंदन आमद के बाद से मुसलसल नवाज शरीफ के टेस्ट लिए जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम उनकी बीमारी की वजूहत जानने की कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने ट्वीट में कहा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज अस्पताल वेस्ट मोरलैंड स्ट्रीट के मारूफ हार्ट सर्जन डॉक्टर डेविड लर्न ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया और नवाज शरीफ के आरज़े कल्ब के हवाले से इलाज मुआलजा तजवीज़ किया। दूसरी जानिब लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम से नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील है। उनका कहना था कि डॉक्टर लांस ने नवाज शरीफ का मुआयना किया है और उन्होंने मजीद टेस्ट तजवीज़ किए हैं। नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते PET स्कैन होगा। आज मैं नवाज शरीफ के यहाँ पे कार्डिक इश्यूज हैं उसके बारे में आज डॉक्टर लॉरेंस ने आज उनको का चेकअप किया है और उन्होंने मज़ीद टेस्ट सजेस्ट किए हैं इस हवाले से। और जहाँ तक मियाँ साहब के जो दूसरा इशू है उस हवाले से आपको पता कि गायज अस्पताल में उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं
और नेक्स्ट वीक पैट स्कैन वगैरह भी सजेस्ट किए गए हैं, तो इंशाल्लाह ये अब इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो हो रही हैं। तो आप सब से और पूरी पाकिस्तानी कौम से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे साहब की सेहत की दुआ करें इंशाल्लाह। अपोजिशन लीडर का कहना था कि इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, दियार गैर में सियासी बात करना मुनासिब नहीं लगता, इमरान खान ने चंद दिनों में बहुत गलत बातें की हैं, उन्हें इस तरह की बातें जेब नहीं देती। इमरान खान नियाजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं कह चुका हूँ, मैं इस वक्त दियार गैर में हूँ, तो मुनासिब नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसी बात करूँ। सर उनके बारे में चूँकि आपने कहा है, पिछले चंद दिनों में बहुत ज़्यादा गिरी हुई बातें की हैं, उनको जेब नहीं देती। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर के मुताबिक बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्टी का वफ्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर के मुताबिक बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्टी का वफ्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। तर्जुमान का कहना था कि बिलावल भुट्टो अपोजिशन की तहरीक पर पार्टी पॉलिसी एपीसी में रखेंगे और रहबर कमेटी ने मुल्क भर में जेयूआईएफए के धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह है कि सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम जेयूआईएफए मौलाना फजल रहमान ने 26 नवंबर को ओपोजिशन जमातों की एपीसी का ऐलान कर रखा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मौलाना फजल रहमान की एपीसी में शिरकत से इनकार कर दिया। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताया, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि भारत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इंडिया पाकिस्तान की सरहदों को नहीं छेड़ सकता, वरना वो नेस्त तो नाबूद हो जाएगा। जब भी इंडिया नुकसान पहुंचाएगा वो पाकिस्तान के अंदर से पहुंचाएगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पहले ही कहा था कि नवाज शरीफ बाहर जा रहा है, नए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म से कहा है कि हमें कश्मीर में जाकर अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करनी चाहिए, कश्मीर के मसले पर हम कोताही बरत रहे हैं, हमारे मीडिया ने भी कश्मीर को पस्ते पुश डाल दिया है, अगर वज़ीर आज़म ना गए तो शेख रशीद कश्मीर के दौरे पर जा रहा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि भारत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इंडिया पाकिस्तान की सरहदों को नहीं छेड़ सकता, वरना वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। जब भी इंडिया नुकसान पहुंचाएगा वो पाकिस्तान के अंदर से पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि दूर दूर तक इलेक्शन नहीं देख रहा, भुट्टो ने कहा था कि इलेक्शन मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। शेख रशीद ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में तमाम पार्टियों का एहतसाब होना चाहिए, तहरीक इंसाफ सुखरू और दो पार्टियां फंस जाएंगी। शेख रशीद ने कहा कि चेयरमैन नैब ने अच्छी बात की कि एहतसाब सबका होना चाहिए, नैब खजाना भरने जा रहा है, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 5 केसेस में पिली बार्गेनिंग हो चुकी है, एहतसाब सबका होना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान का साफ और शफाफ वजीर आजम है, हुकूमत में कोई शख्स करप्ट है तो उसको दुगनी सजा होनी चाहिए। इमरान खान जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। उन्होंने कहा कि पहले ही कहा था कि डॉक्टर अदनान मुसलसल आगाह कर रहे थे कि प्लेटलेट्स कम और ज्यादा हो रहे हैं, डॉक्टर अदनान जब वापस आए तो उससे तफ्तीश की जाए। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज लाहौर में रहेंगी। उन्होंने कहा कि फजल रहमान तो इस्तीफा लेने आए थे लेकिन खाली हाथ गए, सियासतदान यही कहता है कि उसकी जेबें भरी हुई हैं। मौलाना फजल रहमान फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ आ रहे हैं, जमहूरियत से बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द आ रहा है। इलेक्शन जो है फजल रहमान के पास, अब ये कहने की, वो तो इस्तीफा लेने आया था, वो खाली हाथ गया है, खाली जेब से गया है, और अब बड़ा शोर है पार्टी फंडिंग का। बिल्कुल जनाब, तहरीक इंसाफ की भी पार्टी फंडिंग होनी चाहिए, नून लीग की भी होनी चाहिए और पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए। इन तीनों पार्टियों का एहतसाब होना चाहिए फॉरेन फंडिंग में। तरीके इंसाफ सुरखरू होकर निकलेगी और दोनों दो पार्टियां फंस जाएंगी, और इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं है, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। और 7 तारीख को इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद जो ये जोर दे रहे हैं, जोर क्या है जी, नवाज शरीफ की तस्वीरें लग रही हैं, खाना खा के निकल रहे हैं, वो मिस्टर जैकी हैट वाले ऐसे, यू नो सर, रहने दो उधर ही, दफा बला, जाएं खाएं उड़ाएं मौज करें,
لیکن یہ ڈاکٹر عدنان کو اور وقار کو تفتیش کریں جب یہ واپس آئیں، کیونکہ سارے انفارمیشن منسٹری میں اتنے لوگوں کے نمبر نہیں ہوں گے جتنا ڈاکٹر عدنان اور اس کے پاس پلیٹیں اتنی ہو گئی ہیں. اب 2,000 رہ گئی ہیں، اب 2,600 ہو گئی. براہ راست میڈیا ہاؤسز کو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیکسٹ کرتا تھا، میل کرتا تھا، اب 2,800 رہ گئی ہیں، اب 2,400 رہ گئی ہیں. وزیر ریلوے نے کہا کہ امریکہ کو اصل درد ہے کہ چین پاکستان کی ترقی میں کردار کیوں ادا کر رہا ہے. جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہو تو آ جاتا ہے، جب امریکہ کا مطلب نکلتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ او آئی سی کی میٹنگ بلائی جائے. چودھری پرویز الہی اس سسٹم کا حصہ ہے. وزیر اعظم نے ان کو فون کیا، عمران خان نے این آر او نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ریلوے میں موجود تمام مافیا کا رواں سال خاتمہ کر دیا جائے گا. ناروے کا واقعہ پرائم منسٹر نے کل بہت زبردست کہا ہے کہ اس کی او آئی سی کی میٹنگ بلائی جائے، اور اسلام اور قرآن کی اور کالا کالا رسول اللہ کی کوئی تصدیق نہیں برداشت کی جا سکتی. اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اسلام کمزور ہو گیا، مسلمان جب بھی جاگتا ہے تو اس کا ولولہ اور دبدبہ اور تنتنا اور حمامہ دنیا کو انگشتے بدندہ کر دیتا ہے. مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد. Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. Bhai umma ke muhafizon ne bahut si investments kar rakhi hai wahan. Aage wo log aapke liye haar leke nahi khade. Jab tak inshaallah unko azadi nahi milegi hum unke sath khade rahenge. Do not live in a fool's paradise. Bushra Khan, Tara Ali, Kokab Farooqui, Zulfiqar, Tuba Shakil, Tag TV Pakistan.